आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ, उसके बारे में बात करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके लिए देखिए मैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लाई हूँ, विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें आज मैं आपको पूरी डिटेल में बात बताऊँगी कि ये प्लांट हमारा पॉजनस है कि नहीं है, और ये प्लांट का हमारे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, और किस तरह से हम इस प्लांट को लगा सकते हैं, और किस तरह से इसकी हम सीड ग्रो सेव करके रख सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, मेरे पास ये 3 कलर के हैं, मैंने इनके पौध लगाई हुई, तो मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं कि मैं सारे प्लांटों की पौध लेके आई थी। छोटे छोटे पौधे बहुत ही ईजिली सर्वाइव हो जाते हैं। देखिए कुछ पौधे जैसे कि हमने 10 पौधे लगाए तो एक दो तो पौधे खराब हो जाती, तो नॉर्मली हो जाता, और ज़्यादातर सभी सर्वाइव कर जाती है। सिर्फ हमें 10 रुपीज़ की एक गड्डी मिलती है हमारे यहाँ, तो बहुत सस्ते फ्लावरिंग प्लांट पड़ते हैं। देख रहे हैं ना, मैंने 2-3 पॉट में लगा रखे हैं और बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इनको हम देखिए नेटिशियम के नाम से इनको बहुत इजली सर्वाइव जानते हैं, और कलर की वैरायटी 3-5 हो जाती है। लाइट देख रहे हैं तो कुछ डार्क मिलेगा, मैं आपको येलो भी कुछ दिखाऊंगी, कुछ लाइट कलर का भी दिखाऊंगी। इसमें मैंने रेड भी देखे हैं, लाइट होते हैं तो कुछ डार्क है। इस तरह से फूल के कलर की वैरायटी आपको सारी मिल जाएगी। आप इनके अगर नर्सरी से ला के पौधे लगा सकते हैं, तो लगाने का टाइमिंग मैंने हमेशा आपको बताया, नवंबर के महीने में अगर पौधे लगा रहे हैं या अक्टूबर में लगाइए। सीडलिंग आप जब भी करेंगे इनके पौधों की, अगर इनके बीज आप लगाएंगे तो आप हमेशा 15 अगस्त के बाद के लेके अक्टूबर तक और लगा सकते हैं इनके बीज, और इनके बीज काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। मैं आपको बीज भी दिखाऊंगी कि मेरे बीज भी बनना स्टार्टिंग हो गए हैं, और बीज की हम जो ये बीज निकलेंगे तो मैं इनको सेव करके लोगों को नेक्स्ट टाइम मुझे बीज या पौधे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको एक बार आप अगर अपने घरों में लगा लेंगे फिर आपको बार बार बीज की या प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छे फ्लावर प्लांट होते हैं, उनके साथ ये लीव्स आप देख रहे हैं, इनकी लीव्स खट्टी मीठी होती है, खाने में भी अच्छी लगती हैं, और बहुत सी जगह इनकी सलाद बनती है। हमारे जहाँ बहुत से फ्रेंड का ये कहना होता है कि आप प्लांट जब भी दिखाएं तो उसमें हमें ये जरूर बताएं कि ये नहीं हमें खाने से हमारे बच्चों को या हमारे जो हम घर में पेट पालते हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए ये जो डेड फूल देख रहे हैं तो ये सब इसी के बीच बनेंगे। देखिए कभी भी कोई भी पत्ता है प्लांट है, देखो कुछ पॉइजनस होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ हम उनको हार्वेस्ट करके खा भी सकते हैं। तो इनके जो बीज हैं देखिए ये बीज हैं, ये बीज हमारे लगाने भर के हैं, हम इनको इसी में देखिए एक दो फूल के बीच डेड वाले हम नहीं हटाते हैं, अगर हटाएंगे तो फिर हमारे बीज नहीं बनेंगे। अगर आपको पहले फूल का बीज हमेशा या रखिए याद, या पहले फूल का बीज बनने दीजिएगा। देखिए मेरे 2-3 कलर के मैंने जो थे मैंने पहले फूल के बीजों की उसमें पिंचिंग नहीं की थी, जब फूल डेड हो जाते मैंने इनको हटाया नहीं था तो ये बीज बन गए। तो मैं यही 2-3 बीजें इकट्ठे करके रख लेती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, बस सुखा के और पॉली बैग में या किसी भी एयर टाइट बैग में डिब्बे में आप इसको रख दीजिए। आप जैसे ही 15 अगस्त बीते उसके बाद ही मैं हमेशा आपको अपडेट ही देती रहती हूँ कि ये प्लांट आपको लगाने, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो पे। मैं हमेशा आपको कोशिश ये करूँगी कि जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती तब उनके फूलों के बारे में बता देती हूँ, और जैसे हर मौसम चेंज होने के बाद के प्लांटों के बारे में बताती हूँ। तो बहुत ही प्यारी फूल मिलने वाले, आप इनको सेव करके ऐसे रख लीजिए। देखिए कभी भी इन प्लांटों को आप अपने घर में लगा रहे हैं या पौध लाने के, मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, पौध हमेशा नवंबर में लगा लीजिए। अभी भी अगर मिल रहे हैं तो आप पौध लीजिए, नहीं प्लांट है तो पौध ये आपको अप्रैल तक फूल देते हैं। अगर पौध लगा रहे हैं आपने, आपको पौध मिल गई है तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, आपको अप्रैल तक ये फूल देंगे बहुत प्यारे। और कभी कभी पौध में ये होता है कि पौध बहुत जल्दी सर्वाइव करके बहुत ही जल्दी फूल देने लगता है, कि टाइमिंग होता है फूल देने का, तो छोटे छोटे पौधों में भी फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, हैंगिंग बास्केट कम बना सीजिए, ग्राउंड में कवर करना चाहते हैं तो ग्राउंड को भी लगा लीजिए, टेरेस पर लगाना चाहते हैं तो टेरेस पर मैंने पॉटों में लगा रखे, 10 इंच के पॉट में मैंने 3-4 प्लांट लगा रखे हैं, तो देखिए बहुत अच्छे सर्वाइव हो रहे हैं। कि इन प्लांटों को जैसे कि पानी की हम बात कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट ही देखिए पानी की होती है, जैसे हमें सभी प्लांटों को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इन प्लांटों को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इनको जब भी मिट्टी इनकी ड्राई हो जाए पानी देते रहिए। और फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं तो जैसे नीम खली मस्टर के लिए हम टी बनाते हैं वो हम अपने प्लांटों को दे देते हैं, बनाना की हुए गोबर की खाद तो ज़्यादा घने होते हैं तो हम नहीं जल्दी डाल पाते, तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, ज़्यादातर कोशिश ये रहती है लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो जितनी आपकी पीली देखिए आप इसमें काफ़ी दिन से फूल हो रहे थे, काफ़ी दिन से मेरे फ्रेंड ने मैंने अपडेट दिया था बताया था, इस पर वीडियो डालिए, तो देखिए फूल तो काफ़ी डेड हो चुके हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हुई, काफ़ी सारे बीज तैयार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए जानकारी दे देती हूँ। भी बहुत अच्छा प्लांट है, फूल बहुत प्यारे प्यारे होते हैं।
मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखिए हम सभी प्लांटों में हम जैसे मिट्टी देते हैं, ज़्यादातर हम जब भी विंटर फ्लावर की जो मिट्टी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाद रखते हैं, इसलिए कि हम बार बार इसमें खाद नहीं दे सकते। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत अच्छी से फ्लावरिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से हम इनको डोज भी देना ज़रूरी होता है। तो मैं इनको 40% हम जैसे कि कंपोस्ट खाद हुआ, काऊ डंग हुआ, ये ऐड कर लिया इसमें मैंने। 30% मैं इसमें मिट्टी सिर्फ मिलाती हूँ। काऊ डंग या कर्बर्मी कंपोस्ट आपके पास कोई भी मिल जाए वो 40% ऐड कर लीजिए, और 30% हम इसमें मिला लेंगे मिट्टी, और 10% इसमें आप अपने कोको पीट हो वो ऐड कर लीजिए, नहीं हो तो रेत है ये जो ब्लैक कलर की रेत होती है घर में बनते तो वो वाली ऐड कर लीजिए, और एक मुट्ठी राख और एक मुट्ठी नीम खली, ये दोनों सब चीज़ों को मिक्स करके जो मैं मिट्टी बनाती हूँ उनमें प्लांट लगा देती हूँ। तो देखिए और भी प्लांट है और भी फूल है, तो बहुत अच्छे से जब हम मिट्टी बना के तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो देख रहे ना सभी प्लांटों में कितनी अच्छे ज़बरदस्त फूल उड़ रहे हैं। तो अब हमने ये मिट्टी हम इसमें बना के बहुत लगा देते हैं, जो लगाने के बाद हम इन्हें फुल सनलाइट देते हैं। हमारे प्लांट में जब भी हम विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कम सनलाइट पे रहते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी ज़बरदस्त सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप ये मेरे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं सभी में, और कुछ में अभी जैसे आने वाले हैं, जैसे मेरे स्वीट बीन हैं इनमें भी फूल नहीं आए, एक दो आए थे बारिश में झड़ गए थे, तो मैंने अभी उसमें फूल कलियाँ बन रही हैं सभी में। तो सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट मैंने ज़्यादातर पूरे मैंने सारी पौधे लगाई थी कि इसलिए बहुत सस्ते पड़ते हैं, और थोड़ी सी केयर करने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त हैवी फ्लावरिंग है। आप नर्सरी जाएंगे तो एक प्लांट दो प्लांट या तीन प्लांट खरीद के ला पाएंगे, ऐसे हम पौधे लेके आते हैं एक गड्डी में कम से कम 20-20 कभी कभी 15-15 इस तरह पौधे लगती है, तो हमारी पूरी बकिया भर जाती है फूलों से, बहुत अच्छा। मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी जो मैंने पौधे लगाई उनमें फ्लावरिंग कुछ में हो रही है, कुछ में भी फूल आ रहे हैं, तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगी नेक्स्ट में। तो मैं ज़्यादातर इसी प्लांट के बारे में आज बात कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको देखिए मिट्टी के बारे में सब बता दिया, सनलाइट के बारे में बता दिया है। हम आप देखिए इसके सीड जब मेरे सूख जाएंगे तो मैं इसको सीड कलेक्ट करके रख दूंगी, सूखने के बाद इनको सुखा जरूर लीजिए अच्छे से। जितना अच्छा पेड़ में सूखता है बीज उतना अच्छा बाहर नहीं सूखता, तो पेड़ में भी मेच्योर होकर वो खुद सूख जाएगा तब आप इसको निकालिएगा। तो ये बात हो गई है, और हम बात कर लेते हैं हैंगिंग बास्केट में, अगर लगा रहे हैं तो 5 इंच की हैंगिंग बास्केट आती है हमारे पास, तो उसमें हैंगिंग बास्केट में कम से कम 2 प्लांट लगाइए, फिर देखिए खूबसूरत हैंगिंग बास्केट लगे, कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं, कलर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इसके, तो इसको हमें लगा लेना है, बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो ये हमारे इसके बारे में बात हो गई है। अब हम देखिए इनके बारे में मैंने आपको बताया पैट्स आपके खाते हैं कि नहीं खाते, तो देखिए पैट्स अगर खा भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा प्लांट है और इसको हम खुद भी यूज कर लेते हैं, खुद भी खा लेते हैं, तो कोई और ये खाने वाली चीज़ है, ये हमारे औषधि के में काम आता है। तो ये प्लांट का आपको अप्रैल तक फूल बहुत अच्छे देने वाला है, अप्रैल तक फूल बहुत प्यारी प्यारी देंगे, एकदम बुशी की तरह बुक तैयार हो जाता है बहुत प्यारी फूल देने के लिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बात कर लेते हैं खाद की, देखिए खाद हमारे प्लांटों को लिक्विड फर्टिलाइज़र हम हर संडे देते हैं, तभी आप देख रहे हैं तो हर फूलों में हर प्लांटों में बहुत अच्छे फूल होते हैं। जब हम इन्हें रूटीन से एक डोज देते रहेंगे तो वो बहुत प्यारी फूल हमको प्रोड्यूस करते रहेंगे, देते रहेंगे बहुत प्यारे प्यारे फूल। तो देखिए काफ़ी फूल इसमें हमारे झड़ गए कि इसमें मैंने काफ़ी दिन से लगा हुआ, मैंने इसको अक्टूबर में या नवंबर के बीच में लगा दिया, मंथ मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो मैंने इस तरह से ग्रोथ हुआ इसके और बहुत अच्छे फूल मिल रहे हैं। तो हर संडे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, नीम खली मुस्टकिल में हमेशा आपको बताती हूँ, मैंने वीडियो डाल रखा है चेक कर लीजिए, वो आप किसी भी मंथ में आप यूज कर सकते हैं, रेनी सीजन में, बरसात में, या समर में, या विंटर में, कभी भी उसको यूज करिए, बहुत अच्छे लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं ज़्यादातर उसी पर डिपेंड रहती हूँ। और यह बनाना के छिलके के या ऑरेंज के छिलकों का जो हम लिक्विड बनाते हैं वो आप ऐड करके अपने प्लांटों को दे सकते हैं, जिससे अभी ग्रीन प्लांट रहेंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उनकी, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जिससे आपको अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छे बीज मिलेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम इनको ग्रो कर सकती हैं अगली बार जब हम लगाएंगे। और जो पुराने फूल होते हैं उनको आप अगर बीज नहीं लेने तो उनको हटाते रहेंगे तो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ, क्यों मैंने बीज बनाना स्टार्ट करवा दिए थे, क्योंकि कुछ मैंने काफ़ी दिन से फूल देखे खिलने वाले, और बीज जब स्टार्टिंग हो जाते हैं तो फूल कम हो जाते हैं, आपको एक ही चीज़ मिल पाएगी, या फूल आपको अच्छे मिल जाएंगे या बीज अच्छे मिल जाएंगे। तो मुझे कुछ प्लांटों के बीज भी रखने हैं, इसलिए कि हर बार मुझे इसी कलर के फूल नहीं मिल पाते, तो मैं कुछ प्लांटों के बीज इकट्ठे करके रखूँगी, जिससे मैं अगली बार लगाऊँगी जब मेरा अक्टूबर का महीना या अगस्त का महीने में आके इनको मैं ग्रो कर दूंगी, और आसानी से ग्रो होते, एक बीज में तीन तीन बीज होते हैं, देख रहे हैं सब ये अलग अलग बीज है, तीनों अलग अलग निकलेंगे तो हमारे पास 6 से 7 बीज हो जाते हैं, बहुत अच्छे से कलर तैयार हो जाएगा। तो बीज आप कलेक्ट करके रख लीजिए। तो चलिए मैंने इसके बारे में और एक बात गौर कर ली, तो अगर कोई दिक्कत हो रही है, कीड़ों की दिक्कत हो रही है, तो आप इसमें नीम ऑयल और कोई भी डिटर्जेंट और कोई भी सॉप एक एक चम्मच यूज दोनों को 1 लीटर पानी में बराबर मात्रा में कर लीजिए, वो स्प्रे कर दीजिए।
उसे स्प्रे करने से ये होगा कि आपके प्लांट में पहली बार तो कुछ भी लगेगा नहीं, कीड़े मकूड़े नहीं लगेंगे। कि मैंने आपको बहुत दिनों से वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिन से डाल रही हूँ, जिससे आपको इस सामने कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके अकॉर्डिंग और भी कोई जानकारी चाहते तो मेरी वीडियो कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।